स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है और कैसे मृत्यु होती है। आचार्य रजनीश माया गुलाम है। 10 करोड़ की घड़ी, 100 रोल्स रॉयस। होश में बोलो मौलाना, होश में। मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया, ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। आशा करता हूं कि इस शो के माध्यम से आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे होंगे, होना ही चाहिए। भारत जैसे देश में पैदा होकर और कोई आदमी निराश मर जाए, निर्धन मर जाए, मतलब भारत जैसे देश में, भारत भगवान का देश, बड़ा आश्चर्य लगता था कि भारत में ही भगवान क्यों पैदा होते हैं। भारत भगवान का देश, यहां भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। किसके संरक्षण में? गुरु के संरक्षण। कहां से परंपरा शुरू हुई? आदि योगी। तो भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे? असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे? असंभव। भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे? असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे? असंभव। चैतन्य प्रधान देश है, चैतन्य प्रधान, कॉन्शियस, चैतन्य प्रधान देश। माया को कमाना नहीं है, माया को कमाना नहीं है। पश्चिम में माया कमाई जाती है, माया को कमाना नहीं है, माया को जीतना है, गुलाम बनाना है, सेवा में लाना है। यहां स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है और कैसे मृत्यु होती है। यहां आचार्य रजनीश माया गुलाम है। 10 करोड़ की घड़ी, 100 रोल्स रॉयस। इस देश में माया कमाई नहीं जाती, इस देश ने माया को गुलाम बनाया, अपार ग्रह का सिद्धांत अपनाया। अपार ग्रह, मुझे जितनी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जरूरत को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तो अभी जितनी जरूरत है बस उतना ही रखूंगा। मुझे हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी मैं मंगा लूंगा, तो खरीद कर रखने की क्या जरूरत है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस प्रभु इतनी ही देना, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी, स्टार, कॉन्स्टिलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट सब मंगा ले। अपार ग्रह का नियम है, प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए, बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है, किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे, कितना खोखला है। दाढ़ी 3 वित्त की रखाए हैं, हाजी है, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए। खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं।
और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। आओ सब मिलकर अपने जीवन परिवर्तन की इस धारा को गतिमान करें। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, जब आप समर्पण कर देते हो, चुप हो जाते हो, जब तक आप बोलते हो लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता है तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है वहां भगवान को याद करता है। जब तक उसके हाथ में है तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए चार दिन तो मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 40 सीढ़ी चढ़ते हो लगता कलेजा फट के बाहर आ जाएगा, और होश में नहीं रहते हो, पत्नी मौके बेमौके दो चार लाठी मार ही देती है, और होश में नहीं रहते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। तो जब आदमी सरेंडर कर देता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तब भगवान पहली बार बोलता है। तो भगवान ने अब कहा, अशोच्या न शोच चस्त्वम प्रज्ञा वदांश भाषयिष गत सून गत शूंश नानु शोषन्ति पंडिता। अर्जुन तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है। बड़ा प्यारा शब्द है इस श्लोक में, 11वें श्लोक में ये जो शब्द पंडित है ये बड़ा प्यारा शब्द है। पंडित यहां जाति नहीं, ये जो आप जात मानते हैं पंडित जाति नहीं, तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है, पंडित वर्ग है, इस पंडित को संत वर्ग है, इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाइयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं, ये सब पंडित हैं। इंफॉर्मेशन है, स्विमिंग की तैराकी की किताब पढ़ रखी है, एक एक लाइन जानते हैं, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, लेकिन नदी में कूद नहीं सकते, तैरने का कोई अनुभव ही नहीं, संत कोई किताब नहीं पढ़ा लेकिन तैरने का अनुभव है। यह फर्क होता है पंडित और संत में। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, वो मौलाना ऐसे चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना कर रहे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना होश में बोलो, मौलाना होश में, कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं, क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़ुआ शब्द को भी उन्होंने समझाया, सिर्फ भड़ुआ नहीं कहा, उन्होंने भड़ुआ शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। हंसी भी आ रही थी, दुख भी और क्रोध भी। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता,
इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो यह पंडित एक वर्ग है, इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको सिखों में ग्रंथी कहते हैं और पादरी कहते हैं, पंडित। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, तैराकी की किताब पढ़ रखी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर ये वो सब पता है, पर तैर नहीं सकते। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा वो भी गया। ये तैराकी के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन तैराकी सम्राट है। तैरना जो है ना, स्विमिंग दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध है। हर आदमी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। आपकी सांस पर पूरी स्विमिंग निर्भर है। अगर आप सांस रोक ले गए तो बॉडी तुरंत ऊपर आ जाएगी। जहां सांस उखड़ी, जो लोग नहीं तैरना जानते, पानी में उतरे और गहराई में चले गए, सांस उखड़ गई, इसलिए डूब के मर जाते हैं। मुर्दे कभी नहीं डूबते, क्योंकि सांस है ही नहीं। और तैराकी के नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा डूब रहा है और आवाज लगा रहा हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे गमछा उठाइए, गमछा जरूर लेके चलिए, इस गमछे को जरूर रखिए, गमछा उठाइए और खोलिए और ऐसे पकड़ा दीजिए। कहे नहीं, हम गमछा नहीं पकड़ेंगे, तुम आओ, तब किनारे बैठ के देखिए, इसे मदद जरूर करिए। किसी का भी सड़क पर चोट लग जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कम से कम उसको अस्पताल बनाइए, पहुंचाइए। ये क्या सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का नशा चढ़ा गया आप लोगों को? आदमी मर रहा, अभी अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हो गया, बस के नीचे एक आदमी आ गया, लोग वीडियो बना रहे थे। अरे पागल वागल हो गए हो? यहां जानवर और पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। तो तैराकी के नियम जीवन के नियम से बहुत मिलते हैं। आपको भी बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो डूब रहे हैं, और अकेले डूबने का मजा नहीं, तो आपको बुला लेंगे। कोई फरसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ के रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो तीन जूता निकाल के, तो भागिए सर, निकल बाहर, तो ठेका लिए पापा बुआ जी जो है पापा के मकान में हिस्सा मांग रही है, तो मैं क्या करूं, जाओ दे दो हिस्सा। अच्छा, अगर मांग रही है तो तुम्हारे पापा भी कुछ बदतमीजी किए होंगे, हटो यहां से। फालतू का संत मत बनिए। और पैसा है 2-4 करोड़ तो उसको दे दीजिए कि जाओ अपने वापस, कह दो नया मकान बनवा ले, ये मकान बुआ को दे दे, जाओ। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां क्यों हाथ डाल रहे हो फालतू में? पंडित देवदत्त, कबीर के समय की कहानी है, पता नहीं मिथक भी हो सकती है, पर मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहानी यह है कि पंडित देवदत्त पूरे भारत के मठों में शास्त्रार्थ करके सबको हरा कर बनारस वापस पहुंचा, और पहुंचा और अपने अपनी मां से कहा कि देखो ये आईएएस रैंक वन। अच्छा, पूरे भारत को हरा है? बोला हाँ, पूरे भारत को हरा है। सब विद्वान उद्वान सब पैर घुटना पकड़ लिए, रोने लगे कि देवदत्त भैया माफ कर दो, अपने तरफ ऐसे तो कहा था है? कोई साथे गए डीएम वोम से मिले, गए नहीं डीएम वो खड़ा होगा कहां पर आ गई से अवध भैया देख, फर्जी बिना मतलब। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली फिर रतिया पर ऐसे गर्दन में उछाल उछाल खेलत रहे हमारे आंखें सामने, हम बेहोश हो गए। ये तो हालत है देश के, और खासकर उत्तर भारत के। तो देवदत्त की मां ने कहा कि देखो देवदत्त, ठीक है तुम हरा दिए पूरे देश के विद्वानों, कोई बात नहीं, यहां तो जुल्हा रहता है कबीर, उसको हरा दो तुम माने। जुल्हा ना यही है बगल में, यही कबीर चौरा है, वहीं रहता है बनारस में, तो जाओ देख लो, अगर मिल जाए तो उसको हराओ तो मानो।
पहुंचा देवदत्त। अब देखना पंडित के लक्षण इस कहानी में दिखाए गए। देवदत्त पहुंचा, पैर फटकते हुए पंडित के घर, कबीर के घर, लगा दरवाजा पीटने, बाहर निकलो ताओ। पंडित जिसका व्यक्तित्व तो होगा उसमें ताओ बहुत होगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिले, सब पंडित ही हैं, पढ़ लिए हैं ना। जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है उसके पास स्वभावतः ताव बहुत है, और जिसके अंदर गहराई है उसके अंदर शांति बहुत है। तो बहुत सारे प्रोफेसरों से बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत प्यारे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा गौर करके तो कबीर की बेटी कमाली बाहर निकली, कहा अंकल जी बताइए कबीर कहां है, ताऊ है कबीर कहां है, कहो बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए, कहा बुलाओ उनको, कह दो देवदत्त आए, देखो ताऊ। अरे ना बैठिए पानी आनी पी लिए, तब तक आ जाएगा ना, ना बुला लाओ, क्या बुला लाओ, अपने बाप को बुला लाओ। तो बेचारी आई बाजार, कबीर से कही कि एक आदमी आया बहुत डिस्टर्ब लग रहा पापा, और ना पानी पी रहा ना बैठ रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, ताव में है। पंडित का पहला लक्षण यही, अननेसेसरी ताव, ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐठा है, मूते ना जाए कोई घर। अबे तुम्हें मूते के लिए क्या बुलावा है बे? कोई मूतने के लिए किसी को घर पे बुलाता है? यूपी बिहार में बहुत ही डायलॉग फेमस है कि हम भैया मूते ना जाए हुआ, तुम्हें मूते के लिए कौन बुला रहा है, और 50 जूता मूते ना जाए, बड़ा फेमस डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है। हर आदमी ऐठा पड़ा हुआ है, हर आदमी ऐठन ताव, इससे बचो यार, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है, तुम्हारी कोई औकात, हमारी तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, इस धरती की इस ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं, इस गैलेक्सी की इस ब्रह्मांड में अरबों ऐसी गैलेक्सियां धूल फांक रही हैं, 19 बिलियन लाइट ईयर की दूरी अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है ब्रह्मांड के दोनों कोनों में, 19 बिलियन लाइट ईयर, सोचे नहीं पाओगे। बोलेरो ले आए ऐठा है, लेके निकले बोलेरो, कहीं दुबुआ देखत रहा, देखो कौन में देखत रहा, एकदम दीहा जरी जात रही सारे, हम लोग बोलेरो में बैठा रहे, कोई नहीं जरा वरा जात है, कोई कहूं नहीं जरत है, फर्जी में यहां सोचत रहा था। यह है यूपी बिहार उत्तर भारत की दशा, फर्जी अपने सोचत रहा था कि देखो कैसे मुंह बनाए बैठा रहा, हम तुम्हें फॉर्चुनर में बैठा देखिस, देखो ओझो कैसे देखत रहा, फर्जी, खुद सब कुछ खुद ही सोचते हैं, खुद ही, और वहां दो चार चढ़ावे वाले मिल जाते कि हाँ देखा तो एकदम लागत है करजवा फाट गया, यह मेरे देखत रहे, कोई करेजा और अजन ही फाटे थे, फॉर्चुनर लेके आयो का पालक परी, 50,000 रुपया महीना खर्चा है, लय आई बड़ी बात नहीं है, मेहरारू गाड़ी जमीन मकान लय आई बड़ी बात नहीं है, एका रखब बड़ी बात है। तो पंडित के अंदर पहली चीज का है ताव, ऐठन। कबीर कहन चलो अच्छा माई थे, आए कबीर कहन पंडित जी नमस्कार, देखो सरलता है संत की, पंडित जी नमस्कार, है नमस्कार, ठीक ठीक, तो तोरे नाम कबीर है, जी 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 पंडित जी, हाँ मैं पंडित देवदत्त, और मैंने चारों मठों में शास्त्रार्थ किया और सबको हरा दिया, मैं रैंक वन हूँ आईएएस में। अच्छा अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छी बात है, मिठाई खिलाओ भाई, ये रैंक वन है, सरलता देखो संत की, सहजता देखो, अरे मिठाई 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 खाने आए, तुम अगर मिठाई खाने आए, तुम शास्त्रार्थ करने आए। कबीर कहें महाराज हमसे, हम तो जुल्हा है महाराज, कभी स्कूल नहीं गए। पंडित की दूसरी कमी, पंडित की पहली कमी, पंडित की पहली कमी क्या है, ऐठन, जाति से कोई लेना देना नहीं। दूसरी कमी क्या है, बेहोशी, कहीं महाराज हम तो जुल्हा हैं, हमें कहां पढ़ने का अधिकार है महाराज, हम पढ़े लिखे ही नहीं है। तब देवदत्त को लगा कि यार ये तो पढ़ा लिखा नहीं है,
महाराज आप हमारी औकात है महाराज, हम आपसे बहस करेंगे महाराज। अरे देवदत्त लौट कर आया, अपनी माँ से कहा, अरे पता नहीं किस जुलहे का तुम नाम ले रही थी, हमको देखते लगा कांपने धोती होती खुल गई। तीसरी बात अहम, अरे स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद करना, स्व प्रशंसा।